हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पर काम किस प्रकार से करते हैं या फिर यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको आपके यूट्यूब चैनल से आपके बैंक अकाउंट में सीधा बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। YouTube पर काम किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं जिसे आपको YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है और उस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होता है। बने रहें इस वीडियो पे, आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए देखते हैं तो आपको अनदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा और वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजफुल एवं टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को जरूर मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स गो। करते हैं YouTube पर काम कैसे किया जाता है, कहां पे YouTube पर काम कैसे किया जाता है। देखिए, YouTube पर काम करने के लिए आपके पास सिंपल सा एक Android फोन होना चाहिए जिससे आप YouTube पर काम कर पाएंगे। यानी कि YouTube पर काम करने के लिए आपको, या फिर जिस मोबाइल से हमारा वीडियो ये आप देख रहे हैं इससे भी आप काम कर सकते हैं। कहाँ पे? YouTube पर। YouTube पर काम करने के लिए आपको एक Android फ़ोन या फिर स्मार्टफोन आपको चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। स्मार्टफोन आपके पास एक होना चाहिए जिससे आप YouTube पर काम करेंगे। दूसरी बात, आपको स्मार्टफोन में YouTube एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या? YouTube एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप YouTube एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको YouTube चैनल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? एक चैनल बनाना पड़ेगा। आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा। चैनल बनाने के बाद उस पर आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू काम क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए, कंटिन्यू काम का मतलब है आपको वीडियो क्या करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, उस पर वीडियो डालना है। अगर आपको फेमस होना है तब भी वीडियो डालना है, अगर पैसा कमाना है तो भी वीडियो डालना है। तो आपको वीडियो क्या करना होगा, शूट करना होगा। शूट करने के बाद आपको एडिट भी करना होगा। वीडियो को एडिट करना है, वीडियो को शूट करना है, एडिट करना है, उसके बाद YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एडिट करके आपको वीडियो अपलोड भी करना है। क्या करना है? अपलोड भी करना है। अब ये आपको काम कंटिन्यू करना है। कब तक करना है इसकी जानकारी आगे वीडियो में मैं बताता हूँ। देखिए, जब ये काम आप कंटिन्यू करते रहेंगे, यानी कि शूट, एडिट, अपलोड, ये काम आप तो करते रहेंगे। बात करते हैं YouTube से पैसा कैसे आएगा। देखिए, जब आप ये तीनों काम कंटिन्यू करते रहेंगे उसके बाद इसमें दो क्राइटेरिया होती है, एक लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो, और ये दोनों क्राइटेरिया में आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा इन दोनों को चूज के। यदि आप लॉन्ग वीडियो यूज़ करते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो यूज़ करते हैं तो आपको दोनों क्राइटेरिया अलग अलग दो क्राइटेरिया फॉलो करनी होगी। देखिए, मैं इसकी क्राइटेरिया बता देता हूँ। लॉन्ग वीडियो में क्या होता है, आपको 365 डेज मिलते हैं। कितने? 365। इसमें कितने मिलते हैं? ओनली 90 डेज। कितने डेज? 90 डेज मिलते हैं। दोनों में क्राइटेरिया क्या है चलिए मैं बताता हूँ। 365 डे में क्या करना होगा आपको? 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, प्लस 4000 वॉच टाइम, पब्लिक वॉच टाइम, ठीक है, जिससे आपका चैनल फुल मोनोटाइज होगा लॉन्ग वीडियो में। हाफ मोनोटाइज के लिए आपको 3000 वॉच टाइम चाहिए। कितना? 3000 वॉच टाइम, ठीक है, और मात्र 500 सब्सक्राइबर चाहिए। ये होता है हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाफ मोनोटाइज। लेकिन आपको फुल मोनोटाइज करना है तो आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। और शॉर्ट में बताते हैं आपको हम, 90 दिनों में
10 मिलियन व्यूज चाहिए। कितना? 10 मिलियन, यानी कि 10 लाख व्यूज शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। 90 दिनों में 10 लाख व्यूज चाहिए हाफ मोनोटाइज के लिए, या फिर आपको 100 लाख व्यूज लाना पड़ेगा फुल मोनोटाइज के लिए। कितना? 100 लाख व्यूज लाना पड़ेगा फुल मोनोटाइज के लिए, जिसके बाद आपका चैनल मोनोटाइज होने के लिए रेडी हो जाएगा। जब इतना सब कंप्लीट हो जाता है आप, यानी कि यदि आप लॉन्ग बनाते हैं तो आपको ये दोनों में से कोई ना कोई कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? अप्लाई बटन मिलेगा। क्या मिलेगा? अप्लाई, अप्लाई बटन होता है जिसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। जब आप अप्लाई बटन अप्लाई करेंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एडसेंस अकाउंट भी जोड़ना पड़ेगा। क्या? एडसेंस अकाउंट भी जोड़ना पड़ेगा। जब आप एडसेंस अकाउंट जोड़ते हैं, उसके बाद आपका क्या आता है? गूगल पिन आता है। क्या आता है? गूगल पिन आता है। गूगल पिन आएगा। गूगल पिन आने के बाद जब आपका नंबर एड्रेस वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका जो इनकम होगी, जो आपकी अर्निंग होगी आपके यूट्यूब चैनल से, उसमें से आपको $10 गूगल अपने लिए रख लेगा, क्योंकि सिक्योरिटी, गूगल सिक्योरिटी, गूगल सिक्योरिटी के लिए अपने पास रख लेता है आपका $10। उसके बाद की जो अर्निंग होगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। कब आएगी? मान लीजिए आपके महीने में बनते हैं $99। कितने? $99। फिर भी आपकी इनकम जो है फर्स्ट मंथ में नहीं आएगी, जब तक आपके $100 नहीं पूरे होते। जब तक आपके $100 नहीं पूरे होते, तब तक आपकी इनकम आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। ये पूरी तरीके से आप जान लीजिए। जब आपकी इनकम $100 हो जाती है, तभी एडसेंस अकाउंट में आती है। एडसेंस अकाउंट के बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। उसके बाद आप निकाल सकते हैं बैंक से अपने पैसा। तो ये थी YouTube पर काम कैसे करना है इससे रिलेटेड वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें। मोबाइल से जुड़ी हर टेक्निक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।